हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, यूनिट सेकंड में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं? थर्मिस्टर्स हमारी हीट सेंसिटिव डिवाइस होती हैं, जो हीट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। एक गिवन टेम्परेचर पर जो उन्हें हीट मिलती है तो वो अलर्ट हो जाती है, वो डिवाइसेज हमें एक सिग्नल देती हैं। तो इन्हीं हीट सेंसिटिव डिवाइसेज को जो क्या होती हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइसेज। सेमी कंडक्टर हमने अभी नहीं पढ़े हैं क्लियरली अच्छे से। सेमी कंडक्टर्स जो हम पढ़ेंगे यूनिट 9th में पढ़ेंगे। तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होती हैं जिनका रेसिस्टेंस, हुज रेसिस्टेंस चेंजेज शार्पली विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज के साथ उनका जो रेसिस्टेंस है बहुत तेज़ी से चेंज होता है। अब ये डिवाइस किससे मिलकर बनी होती है? ये मिक्सचर बनी होती है सिलिकन और जर्मेनियम से, और साथ में कुछ मेटल ऑक्साइड्स के साथ। इन्हें यूज कहाँ करते हैं? आपने जनरली देखा हो, इन्हें यूज करते हैं हम फायर अलार्म में, ताकि हीट मिलने के बाद फायर अलार्म एक्टिव हो जाता है और हमें आग के बारे में सूचना मिल जाती है। थर्मामीटर्स में अप्लाई होते हैं और टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेज में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुपर कंडक्टर, और जो प्रोसेस है वो क्या है? सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी प्रोसेस होती क्या? हमने पता है कि जो रेसिस्टेंस होता है हमारे पास किसी कंडक्टर का, जब टेम्परेचर राइज अप होता है उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। और इंक्रीज का जो हम फैक्टर पढ़ चुके हैं किस वे में इंक्रीज होता है, टेम्परेचर राइज अप करने पर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था उस स्ट्रेट लाइन हमने किसके लिए कहा था, निक्रोम के लिए, और कॉपर के लिए कहा था कर्व शेप में। लेकिन आपने देखा यहाँ से, जब टेम्परेचर जीरो था तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, या रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। तो इसमें कहा है अगर हम इस डिवाइस का, किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, इस वे में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये जीरो के बाद भी डिक्रीज कर रहे हैं आप नेगेटिव टर्म में, इधर माइनस में, इधर किस में, पॉजिटिव में। जब नेगेटिव में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर को बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर, उस पर जो हमारा रेसिस्टेंस है वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सुपर कंडक्टिविटी, जिसके द्वारा हम कंडक्टर के रेसिस्टेंस को जीरो करते हैं। अब इस प्रोसेस के द्वारा जो कंडक्टर्स बनाए जाते हैं जिनका रेसिस्टेंस जीरो हो गया, निल हो गया किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, उसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। जैसे हमने एग्जांपल्स लिए मर्करी का 4.2 केल्विन पे, लेड का आपका 7.25 पे, और नियोबियम का 9.2 केल्विन पे। क्या बन जाते हैं आपके डिवाइसेज, सुपर कंडक्टर्स। हर कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर नहीं बना सकते, कुछ अपवाद हैं जो आपने मर्करी, लेड और नियोबियम के किए हैं। अब सुपर कंडक्टर्स को हम यूज कहाँ करते हैं, इनके बहुत सारे यूज हैं। अगर जहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पीड कंटेन करनी है, तो वहाँ पर आप क्या यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर्स। या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। हाई स्पीड कंप्यूटर्स में इन्हें सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को हाई स्पीड पे 1.2 एन अदर प्लेस पर पहुंचाने के लिए हम सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर। हमारे पास जो रेसिस्टर्स होते हैं वो या तो कार्बन होते हैं या क्या होते हैं, रेडियो रेसिस्टर्स होते हैं, जो आपके पास डिवाइसेज में लगे होते हैं, किसी भी डिवाइस में, किसी भी आईसी में, चाहे आपकी रेडियो की हो, फ़ोन की हो, टीवी की हो, कंप्यूटर की हो, उसमें रेसिस्टर्स कनेक्ट होते हैं। अब उस किसी गिवन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरह निकालेंगे, उसके लिए कलर कोडिंग का सिंबल दिया गया है। कलर कोडिंग को याद करने के लिए इक्वेशन बनाई गई है जिससे हम उनके नंबर को याद कर सकते हैं, उनका कलर क्या होगा। और जो आपकी इक्वेशन है बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वैन वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, जिस मतलब बी बी रॉय एक ग्रेट ब्रिटेन की बहुत अच्छी वाइफ है। कब अच्छी मानी गई है वो, कि जब वो क्या पहनती है, गोल्ड सिल्वर के नेकलेस पहनती है। अब इनमें से हमें क्या यूज करना है, जहाँ जहाँ मैंने डैश लगाया वो वर्ड हमें यूज करने हैं। बी पर कोई कलर है, यहाँ पर भी बी, आर ओ वाई सिंगल सिंगल लेने, ग्रेट में से जी लेना, ब्रिटेन में से बी लेना है, वेरी में से वी लेना है, गुड में से जी, वाइप का डब्ल्यू, ये हमें यूज नहीं करने। गोल्ड कंप्लीट लेना है, सिल्वर भी कंप्लीट, और एन बता रहा है यहाँ पे नो कलर के लिए, नो कलर या नन कलर। अब बेटे आप यहाँ से देखना, आपको बी, जो बी वर्ड है ये क्या शो करेगा, बी पे हमारे कौन कौन से कलर्स आते हैं। तो हमारे जो बी पे कलर्स आते हैं वो क्या है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, ये हमारे कलर्स आते हैं। तो आपको देखना है इनमें से सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले कौन है। सीक्वेंस के हिसाब से जो वर्ड आया वो क्या है हमारा, ब्लैक। तो जो पहला कलर होगा आपका क्या बनेगा, वो ब्लैक बनेगा। फिर नेक्स्ट जो है सीक्वेंस के हिसाब से कौन आना चाहिए था, ब्लू। लेकिन आपको ध्यान रखना है हमें सिर्फ एक बार सीक्वेंस फॉलो करना है, उसके बाद हमें सीक्वेंस के अपोजिट चलना है। सीक्वेंस के हिसाब से ब्लू आना चाहिए था, लेकिन सीक्वेंस के अपोजिट चलेंगे तो इस बी को क्या लिखेंगे, ब्राउन। और नेक्स्ट जो बी बचा वो कौन सा रह गया, बी, ब्लू। इस तरह कंडीशन आपको आर पे क्या आएगा, रेड, ओ पे ऑरेंज, वाई पे येलो, ये तो आपको क्लियर है। अब जी की बात है, एक जी यहाँ पे, एक यहाँ पे जी,
जी के दो वर्ड हैं ग्रे और ग्रीन। अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से माने तो कौन सा आना चाहिए था हमारा पहले ग्रे और सेकंड टाइम कौन होना चाहिए ग्रीन, लेकिन हमने कहा है सिर्फ हमने एक बार सीक्वेंस फॉलो किया था उसके बाद सीक्वेंस के अपोजिट चलेंगे। सीक्वेंस के हिसाब से पहले कौन आएगा हमारा ग्रीन, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे जी पे ग्रीन और इस जी पे हम ग्रे यूज करेंगे। वी पे क्या होगा आपका वॉयलेट, डब्ल्यू पे क्या हो गया वाइट, गोल्ड आपको कंप्लीट लेना सिल्वर कंप्लीट लेना है, इनके लिए नो कलर। तो इन कलर्स के लिए हमने एक इक्वेशन बनाई है, वो टेबल बनाई है, वो टेबल आपकी क्या होगी, जो आपकी टेबल बनी ये है जिसमें आपको दिखाया गया है कलर नेम उसका नंबर मल्टीप्लायर टॉलरेंस। नंबर हमने जीरो से स्टार्ट किया, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर और नो कलर। इनमें नंबर कहाँ तक आएंगे आपके 10 कलर्स के नंबर हैं 9 तक, इनका मल्टीप्लायर का मतलब है उस कलर के लिए कितनी नंबर ऑफ जीरो जाएंगी, इस नंबर के पीछे कितनी जीरो आएंगी, 1 0 है 2 है 3 है 4 कितनी जीरो जाएंगी आपकी, ये किसमें 10^-1 10^-2 -3। टॉलरेंस ये कलर हमारे शो करेंगे कार्बन रेसिस्टर पे, वो रेसिस्टर कितने रेसिस्टेंस को सहन कर सकता है, टॉलरेंस लिमिट क्या है उसकी। टॉलरेंस लिमिट हर कलर की नहीं है उतनी ज़्यादा, मेनली हमारी गोल्ड सिल्वर और नो कलर के लिए है, बाकी हमने और भी लिखेंगे ब्राउन के लिए 1% है प्लस माइनस में, रेड के लिए +-2% है कितने वो सहन कर सकता है। मेथड्स क्या है आपका, कोई भी कार्बन रेसिस्टर दिया हुआ है जिसमें 4 स्ट्रिप्स हैं, हम फोर कलर बेंड कर रहे हैं, 5 के भी होते हैं 6 के भी होते हैं, अगर 4 कलर बेंड हैं तो उससे कैसे पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना 4 के लिए आपको लेफ्ट साइड से जो पहले 2 कलर स्ट्रिप होंगी वो तो शो करेंगी नंबर को, नंबर आप टेबल में से देख लोगे, थर्ड जो स्ट्रिप होगी वो बताएगी उस रेसिस्टेंस के नंबर ऑफ जीरोज, उसके पीछे कितनी जीरो जाएंगी नंबर के पीछे, नंबर ऑफ जीरोज कह दीजिए मल्टीप्लायर कितना होगा, और फोर्थ जो कलर की स्ट्रिप होगी वो बताएगी किसे टॉलरेंस लिमिट को प्लस माइनस में कितनी होगी। हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल किया है, कोई हमें कार्बन रेसिस्टर दिया हो जिसकी पहली स्ट्रिप येलो है सेकंड स्ट्रिप रेड है थर्ड स्ट्रिप ऑरेंज और फोर्थ स्ट्रिप गोल्ड है, तो जैसा कि आपने पढ़ा था कलर कोडिंग के हिसाब से जो येलो कलर है पहला स्ट्रिप येलो कोड के लिए क्या बना आपका 4 नंबर, सेकंड रेड के लिए क्या बना 2 नंबर, आप टेबल से देख सकते हैं। ऑरेंज जो थर्ड स्ट्रिप है उसका क्या शो करेंगे आप नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या है 1 के पीछे 3 जीरोज मतलब 10^3, और गोल्ड कलर की टॉलरेंस लिमिट क्या +-5%। तो नंबर्स को एक साथ लिखेंगे क्या बना 42, ऑरेंज कोड मतलब 42 के पीछे कितनी जीरो आएंगी 3 मतलब 10^3 ओम, और कितनी टॉलरेंस लिमिट है इस रेसिस्टेंस में से कितना सहन कर सकता है +-5%। इस तरह आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर ये 5 बैंड का होता तो 5 बैंड में आपको सीख चीज़ याद रखनी है, जो पहले 3 स्ट्रिप्स होंगी वो शो करेंगी नंबर को, चौथी स्ट्रिप शो करेगी किसे मल्टीप्लायर को, लास्ट जो 5वीं होगी वो शो करेगी टॉलरेंस को। मेनली हमारे 4 स्ट्रिप्स के हैं, पहली 4 स्ट्रिप के लिए पहली 2 स्ट्रिप बताएंगे नंबर को और 5 के बैंड के लिए पहली 3, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप सोल्व आउट करके देखना स्टूडेंट्स।